शहद और कपूर को आप मेरे बताए गए तरीके से लगा लेंगे तो फेस के दाग धब्बे तो रिमूव होंगे ही, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, साथ ही साथ बुढ़ापा भी आपसे कोसों दूर भागेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनु माया स्किन केयर और मैं हूं अनु। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप कपूर और शहद का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, स्किन का रंग निखार सकते हैं, साथ ही साथ दाग धब्बे भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप स्किन केयर में होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हो तो आपने शहद का इस्तेमाल कभी ना कभी अपनी स्किन पे जरूर किया होगा, लेकिन जब बात आती है कपूर यानी कैम्फर की तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पूजा पाठ में किया जाता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपूर में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो ये आपके पिंपल्स एक्ने के लिए बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है, ये आपका रंग निखारता है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे प्री मैच्योर फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगी हैं उनको भी रिमूव कर सकता है कपूर। कपूर फेस के दाग धब्बे भी रिमूव करता है। अगर आपके फेस पे हल्के फुल्के कटने छिलने के निशान है तो उनको भी रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है जिससे आप अपनी मनपसंद स्किन अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कर्ड यानी दही। अगर आपके पास बाई चांस नहीं है या आपको सूट नहीं करता है तो आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दूध और दही से बेहतर क्लींजर कोई भी नहीं होता है। अगर आपको ये दोनों सूट करते हैं तो बारी बारी आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें लैक्टिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आपका रंग निखारने का काम करता है, एज ए ब्लीच ये आपकी स्किन पे काम करता है और साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा ये बहुत ही बेहतर क्लींजर होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1 टेबलेट कपूर की, इस तरह से मार्केट में आती है, इसको आप फिंगर्स की हेल्प से ही बढ़िया से क्रश कर लीजिए। इसमें अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, देन साफ फेस पे आपको ये अप्लाई करना। अगर आपके फेस पे पहले से मेकअप लगा हुआ है तो पहले उसको रिमूव कर लीजिए, देन इसका एप्लीकेशन करना है। लगाने के बाद अच्छी तरह से हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट का मसाज दे देना है ताकि आपकी पोर्स की गंदगी खींच के निकाल दे और आपकी स्किन पूरी तरह से क्लीन हो सके। अगर आप सिर्फ इसी स्टेप का भी 7 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हो तो आप नोटिस करोगे स्किन में ग्लो ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन लाइटन होने लगेगी, दाग धब्बे भी रिमूव होने लगेंगे। अच्छी तरह से मसाज देने के बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स और एक्ने हैं तो इनको लगा के बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज देना है। ये रेमेडी आपको पर डे अप्लाई करनी है, अगर पॉसिबल हो तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमको एक बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक प्रिपेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून हनी यानी शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके फेस पे बैक्टीरिया पनप रहा है जिनकी वजह से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनको हनी बहुत अच्छी तरह से क्योर कर देता है। साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यह आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ, हमको लेना है ऑफकोर्स कपूर। 1 टेबलेट ही लेनी है, अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको ये फेस पैक इसी तरह से अप्लाई करना है। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस की या फिर आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल्स एक्ने बहुत ज़्यादा बनते हैं या गर्मियों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। गर्मियों के लिए मुल्तानी मिट्टी से बेहतर फेस पैक कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो ये एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देती है। इसको लगाने के बाद आप तुरंत नोटिस करते हो आपका रंग काफ़ी ज़्यादा निखर जाता है, स्किन में ग्लो आ जाता है और इसको लगाने के बाद लंबे टाइम तक आपकी स्किन में जो पसीना बहने की प्रॉब्लम होती है, एक्सेस चिपचिपाहट सी बनी रहती है, वो भी आपको फील नहीं होती है। अब इन सबको मिक्स करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज वाटर आपके पोर्स को श्रिंक करता है, छोटा करता है, स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है और इसके साथ ही साथ आपके स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। इतना रोज वाटर लीजिए कि एक बढ़िया सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। देन आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के बाद ये स्किन पे अप्लाई करना है।
तकरीबन 10 मिनट तक इसको फेस पे लगे रहने देना है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी आप मुल्तानी मिट्टी का कोई फेस पैक लगाते हैं तो उसको 60% से ज़्यादा कभी भी नहीं सुखाना है। 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। ये फेस पैक उन लोगों के लिए एकदम रामबाण की तरह काम करता है जिनके फेस पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कटने छिलने के निशान हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके फेस पे पिंपल्स एक्ने आते जाते रहते हैं, अपने दाग छोड़ जाते हैं, एक्टिव पिंपल्स एक्ने हैं, सारी प्रॉब्लम्स को ये फेस पैक क्योर कर सकता है। फ्रेंड्स, फेस वॉश करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हमेशा मॉइस्चराइजेशन की बात करती हूँ, बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को ड्राई रखते हो तो ये आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ये फेस पैक आपको वीक में सिर्फ 3 बार लगाना है। कुछ ही इस्तेमाल से आपकी स्किन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप आपको रोज करना है, आप 2 बार भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो करके जरूर देखिएगा, देन अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।